नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य भंडारी। आज संवाद इंडिया की तरफ से और ग्लोबल मिडास फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से रमनजीत सिंह जी ने गिरधारी लाल गोस्वामी पार्क ईस्ट पटेल नगर में हेल्थ कैंप और पब्लिक ग्रीवियस कैंप लगाया है और हमें यहाँ पे लोगों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय इस बारे में। हाँ जी, क्या नाम है जी आप? रमेश सच्चर जी। तो आज हमारी एनजीओ ने जो यहाँ पे आपके एरिया में हेल्थ कैंप लगाया उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा किया है जिन्होंने, लोगों की अपने रूटीन की जो प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड प्रेशर की, शुगर की और उसकी न्यूट्रिशन की, जो नॉर्मल प्रजी होती है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर ना करके बल्कि यह है कि उसको कंसिडर किया जाएगा कि आगे से बंदा थोड़ा हिम्मत बनती है और आगे की चेकअप कराने के लिए, जिसमें फास्टिंग है, शुगर का है, बीपी का है, नॉर्मल चीज़ों का उसे अवेयर रहता है बंदा कि कैसे अपने आप को ठीक रखना है, अपडेट रखना है। तो आपको हमारे स्टाफ का बिहेवियर कैसा लगा? बिहेवियर बहुत अच्छा है। पहले रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसके बाद उन्होंने पहले हमारे ब्लड चेक किया है, फिर बीपी चेक किया है, उसके बाद उन्होंने जो न्यूट्रिशन थे, उन्होंने डाइटिशियन ने सारा बताया कि बीपी लो हो तो क्या करना चाहिए और अपनी खुराक क्या लेनी चाहिए, सुबह क्या खाना चाहिए, रूटीन में क्या लेना चाहिए, जिसके लिए काफ़ी लाभदायक है, जो कि अपनी रूटीन को, अपने आप को, शरीर को अपडेट फिट रखने के लिए। तो आप चाहते हैं कि हमारी एनजीओ ऐसे भी आगे भी ऐसे कैंप्स लगाती रहे? हाँ, मैंने जैसे समाचार मुझे भी मिला है कि अगला कैंप भी इनका दूसरी जगह पर वेस्ट पटेल नगर में भी लगना है और जहाँ भी लगेगा मैं चाहता हूँ जो भी इसको लाभ मिलेगा वो इसको फ़ायदा मिलेगा और उसको भी आगे बढ़ चढ़ के लोग इसको आगे करें, ताकि इन जो कराने वाले जो रमन जी हैं उनका भी उत्साह बढ़े, ताकि वो और लोकप्रियता हासिल करें और जिसकी छोटी मोटी परेशानियाँ वो हल हो सके। धन्यवाद। ना हमारे बुढ़ापे की पिल्सन है, हम तो रो रहे हैं। माता जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको पेंशन नहीं मिल रही? हाँ जी, बिल्कुल पिल्सन नहीं मिल रही, लगी नहीं रही। जब भी जाएं विधायक के पास वो कहते हैं अभी नहीं, विडो की लग रही है, बुढ़ापे की नहीं लग रही, किसको विधायक के पास और अपने नगर निगम के पास गए? हम तो कितनी बार ही गए हैं, कम से कम 6-7 महीने से जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ हासिल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हासिल हो रहा जी। कितनी एज होगी माता जी आपकी? मेरी होगी 60 साल। 60 साल की एज हो गई? हाँ, 60 साल से ऊपर ही हो रही है, मतलब अब आइडिया है थोड़ा, मेरे पास आधार कार्ड भी है, तो आप देख सकते हो, कुछ भी देख सकते हो, घर जरूर मेरा है लेकिन मेरे को रोटी नहीं है बस। तो आप कई बार जा चुके हैं? नहीं सुने, बिल्कुल नहीं सुने जी, बिल्कुल नहीं सुने हमारी आवाज, आवाज ही नहीं सुनते, वहाँ पिए बैठे हुए हैं, कोई सुनता ही नहीं है। विधायक तो कभी है, मिल जाए तो अचानक मिल जाए, वरना नहीं मिलता। उनके पास कम से कम मैं 6 महीने से जा रही हूँ, अब मैं काम करती हूँ तो अपना मेरे आदमी को दिखता भी नहीं है। क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, बुड्ढी बुड्ढा दोनों बहुत परेशान हैं। अब मैं यहाँ पटेल नगर आती हूँ काम पे, क्या कर सकती हूँ मैं। बड़े-बड़े वादे करते थे माता जी के, ऐसी जिधर दिल्ली को बड़ा खूबसूरत बनाया है, पेरिस बनाना है। नहीं, बाकी जो भी है हम, मैं मानती कुछ भी है, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है ना बस। आपको सोलर सरकार से नहीं, मेरे को राशन तो मिल रहा है, चावल और गेहूँ मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं मिल रहा। पेंशन नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सर, मेरा नाम सुभाष शर्मा, मैं ईस्ट पटेल नगर मार्केट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमारे ईस्ट पटेल नगर में समस्या ही समस्या है, बिजली, पानी, सफाई, पटरियाँ नहीं बनी, सड़कें कुछ बनी हैं कुछ नहीं बनी हैं। अब बिजली की समस्या ये है कि बिजली के जो बिल आते हैं, हमारे यहाँ बिल बहुत ज़बरदस्त आते हैं, और वो जो बिल पैसा हम देते हैं वही पैसा ये गरीबों को नीचे झुग्गी झोपड़ियों में बांट देते हैं। हमारे जो बिजली के बिल आते हैं, वो एक तो फिक्स चार्जेस, वो नाजायज हैं, फिक्स चार्जेस इतने ज़्यादा हैं कि बेचारा लोग जो है भरने में बड़ी दिक्कत आती है उसको। पानी की समस्या ही वही है, पानी के बिल बहुत आते हैं, पानी का पैसा हम देते हैं फ्री, ये जो गवर्नमेंट कहती है फ्री बांट रहे हैं, ये सारा गरीब लोगों को, झोर पट्टी वाले उनको देते हैं, हमें कुछ नहीं देते। शर्मा जी, मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ, जितनी सरकार कह रही पंजाब जाके पेरिस बनाना चाहते हैं, तो दिल्ली तो पेरिस बनेगी? पेरिस दिल्ली का हालत इतना बुरा, वो बड़ा है, चाहे वो MCD हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, कोई काम नहीं करती, ये सिर्फ जुमलेबाज है, सारे जुमलेबाज। तो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि मैं फिर 1,000 रुपया पंजाब में दूंगा, जो मेरा सवाल, जो मैं थोड़ा सवाल कर रहा हूँ,
वो कह रहे थे मैं 1,000 रुपया हर एक लड़की को देंगे, तो पंजाब के लोग नाराज हो गए कि असी दान करने वाले लोग हैं, देंगे कहाँ से वो 1,000 वो कहाँ से देंगे? टोटल पंजाब का बजट इतना नहीं होगा जो 1,000 रुपये बांट देंगे, किस तरह देंगे? ये कुछ नहीं देंगे, ये इलेक्शन का जुमला है। सर दिल्ली में तो बिजली पानी के लोग वही बात वही आ गई कि छोटे लोग जो हैं वो यही कहते हैं हमें बिजली पानी फ्री मिल रहा है, लेकिन हम मीडियम क्लास के लोग या हाई क्लास के लोग तो हमें तो बिजली पानी कोई फ्री मिल नहीं रहा। उसको वोटों की जरूरत हम लोगों की नहीं है, उसको जो नीचे के तबके का है उन लोगों की वोटों की जरूरत है। सरकार की नज़र सबली एक जैसी होती है, क्या लगता है? नहीं देखते, यदि सबको एक नज़र से देखेंगे 200 यूनिट फ्री है, हमें कम से कम 200 यूनिट तो फ्री मिलना चाहिए। हमसे यदि 201 यूनिट आता है तो पूरे 201 यूनिट का पैसा लेते हैं। पानी कहाँ फ्री मिल रहा है, किसको फ्री मिल रहा है बताइए? वो तो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली को बहुत खूबसूरत बनाता, सड़कें बनाती, नालियों को पानी दे दिया, नाले बना दिए आपके सामने, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ सफाई आप देख लो क्या हालत है, कुछ नहीं है। सर जी आपसे जानना चाहते थे, छोटे से जानना चाहते थे कि सरकार का जो रवैया सबके लिए एक जैसा ही होना चाहिए सबके लिए, ये नहीं है कि अब वही नए भेदभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जैसे हम लोगों का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हम लोगों का तो 200 यूनिट पार हो ही जाता है, हर बार ही होता है। अब जो है बाकी फ्री लोगों को जो मिल रही है बिजली वो तो मिल ही रही है, उसका दंड हमें भुगतना पड़ता है कि हमारे जो मतलब बिल ज़्यादा आता है। उन्होंने कहा था बहुत शोर मचा रहे हैं पंजाब जाके, वो सब पॉलिटिक्स है, वो अलग चीज़ है, हम तो अपने एरिया का बता रहे हैं, वो एक अलग इशू है। समस्या बतेरी है, थोड़े सामने देखो पानी दे गटर, तीन तीन साल चार चार साल हो गए, कितनी कंप्लेटा देती है, आज तक साफ नहीं हो रहे, हर बरसात आज परेशानियाँ झेलनी पै रही है। जिन्होंने बोल रहे हैं कराने हैं, कभी कोई गड्डी गुड्डी लंघ दी है उन्होंने बोल दे करा दो, कोई कहता 2,000 दे दो, कहता 5,000 दे दो, किसी की सरकार है फिर घटो घट काम कंप्लेन नाल काम होना चाहिए ना, कंप्लेन नाल काम होता नहीं है, जिन्होंने वो पैसे मंगता है, जिन्होंने देखो पैसे मंगता है, की करिए असं बड़े परेशान हो गए। आपसे पैसे मांगते हैं, उनकी कंप्लेंट कितनी बार ऊपर की? कई बार ऊपर करते, कोई सुनता नहीं, कोई इधर सुनता उधर कर दें गल बस। अच्छा, अच्छे तो केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी मेरे अंडर में नहीं है, तो मेरे अंडर में वो नहीं है। हाँ। तो किसका फर्ज बनता है आपकी अच्छी सेवा अच्छा प्रदर्शन देना? बहुत सेवा, मैं तो कहना जो भी करे जेडी भी सरकार जो भी आए उन्होंने काम करना चाहिए, परेशानी ना हो। इलेक्शन के टाइम तो चाहे 5-10 दिन पहले तो आगे कह देंगे अगर तुम एक फाल्ट है कर देंगे फलाना कर दे, पहले क्यों नहीं आते, पहले क्यों नहीं करते आगे? तो लोग परेशान हुए, जो चुनाव आना तब बड़े बड़े वादे होते हैं सारे काम, हूँ भी इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन आते 5-7 दिन पहले आगे चालू हो जाएंगे, देखने चालू हो ये अस कल कराने, फिर तो मिनटा ही काम होता है, वैसे नहीं होता कम कभी। साबित होता कि 5 साल तो बाद फिर ऐश कर दी सरकार ऐश कर दी है, जनता मूर्ख बन रही है, जनता रोंदी है। वो तो कह रहे थे पेरिस बनावांगे इस देश को, कुछ नहीं बन सकता इतने पेरिस, कुछ भी नहीं बन सकता इतने, सब पैसे दे पी रहे थे, पैसे दे जाओ तो काम होएगा, ना पैसे दो कोई काम नहीं होगा। लगता है कि ये सरकारें जुमलेबाज होती हैं, लोगों को बेवकूफ बनाती, सब बेवकूफ बना रही है, कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बना रही है। साल तो इतने रह रहे हैं वहाँ और इधर कुछ साल तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, सेफ्टी दी सिक्योरिटी दी अपना इधर ऐसी काफ़ी कंप्लेन भी की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, तो इतने अपना इतना कंजस्टेड होंगे, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, कोई सिस्टम नहीं है, कई बार ऐसे क्या गया वन वे कर दो ते, लेकिन कोई मतलब एक्शन नहीं लिता गया, ऐसी रिटर्न विच भी दिता है, ऐसी ACP साहब ना मिल के आए, HSU साहब ना मिल के आए, उन्होंने सानू आश्वासन दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यही रिक्वेस्ट है कि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, बच्चे निकलते ने ट्रैफिक इतना वे बच्चों उन्होंने दिक्कत होती है, और इधर कोने ते अपना जाम लग्या रहिंदा है बैटरी रिक्शे वालिया का, उहदे नाल बैड एलीमेंट्स आते ने, उल्टा सीधा इत्थे लोकी कॉर्नर ते शराब पीना ड्रिंक्स वगैरह अपना, तो वह भी बड़ा माहौल खराब हो गया है, तो इसी चन्ने की एक मैक्सिमम कार्रवाई हुई इत्थे थोड़ा पीसफुल रहे, जो अच्छी फैमिली ने बहुत डिस्टर्ब होंदिया ने। वो तो बट नेचुरल होते है ही है, वो तो प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं रहा सारा काम, वो तो हो ही रही है जुमलेबाजी, इसे कैसे आस्ते से डिस्टर्ब आ, कोई एक्शन ही नहीं लिता जा रहा, मीडिया कुछ दिखाते ने हों अपोजिट है,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁਮਲੇ ਕੀ ਮਹਾਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰੋਣ ਅਸੀਂ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦਸ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਰਿਸਪੋਂਸਬਿਲਟੀ ਸਮਝੇ ਔਰ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਫਟੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਏਸੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੈਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ 10% ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਇਨ ਵਰਕਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਦਿਨੇ ਸਰੇਆਮ ਜੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪਰਸ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਕਨ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਲੋਕ ਹੈ बैक साइड लेना हमारी एक तो ये रोड हमारी टूटी हुई है तो जगह जगह गड्ढे हैं उसको ठीक करवाने के लिए हम चाहते हैं और एक हमारे घर के सामने सीवर हैं वो बंद रहते हैं उसमें से पानी निकलता रहता है कभी पॉटी वगैरह सब कुछ ऐसे बाहर आती है और सारे पानी बह के हमारे घर के दरवाजे पे आता है मच्छर बदबू काई लग जाती है ये यही प्रॉब्लम है हमारी दो अपने नगर निगम को बोला था हम वहाँ से फ़ोन तो किए हैं उनको वो आके वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का नहीं है ये प्राइवेट है हम नहीं करेंगे वो दो तो गवर्नमेंट के हैं ऊपर से आता है ऊपर से जो लोगों लोग फेंकते हैं पानी वानी अच्छा वो सब बहता है और उनका हाँ जी पानी ऊपर से है या नीचे से गवर्नमेंट का फर्ज बनता है कि उसको ठीक कर ले हाँ जी हाँ जी साथ जोड़ना हाँ जी ये कहना उनके लिए गलत होगा कि ये हमारा काम नहीं वो हमारा काम ये प्राइवेट आप कितनी बार उनको आप अपनी रिपोर्ट कर चुके हैं कई बार करते हैं वो आते हैं लेकिन वो फिर वो यही कहते हैं ये हमारे उसमें नहीं आता अच्छा आप इनको वोट देते हैं हाँ जी पाँच साल बाद जब वो आपके पास आएंगे तो आप उनको क्या बताएंगे उनको यही कहेंगे कि पहले हमारी ये समस्याएं दूर करो तो उनको पाँच साल बाद समस्या ज्यादा थी पाँच साल तो बीच तो बैठ के ऐश परस्ती करते हुए उनको कहते तो हैं लेकिन वो कुछ करें ना तभी बात बने ना कुछ जी फिर नहीं तो फिर हारेंगे और क्या करेंगे फिर दूसरा आएगा विकास नहीं उन्ना चल किसी को वोट नहीं कोई हाँ कोई वोट नहीं वोट तो देंगे उन्होंने नहीं देंगे अच्छा हाँ वोट देंगे लेकिन उन्होंने नहीं देंगे ऐसे निकले तो वो फिर अगले पांच साल देखो फिर ज्योतिष विद्या फिर देख देख की कर देना क्या कर सकते हैं बताइए आपकी समस्या हम तो ऐसे कंप्लेन आप घर के सामने से गटर आ रहा है और पानी सारा आपके पास आ जाता है और ये तो कह रहे हैं कि मच्छर और टेरेस बनाना चाहता हूँ हाँ बस यही चीज़ है ये कह रहे हैं अब देखो आगे बनाएंगे तभी ना अभी तक तो कुछ किया नहीं इन्होंने अब आगे आप जैसों को हमने कंप्लेंट कर रहे हैं आप कुछ करोगे तो ठीक है नहीं हम तो आपकी आवाज़ जन जन तक पहुँचा ही रहे हैं हाँ जी हाँ जी सुनते हैं देखते भी हैं लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपकी समस्या हल करने नहीं आते हाँ जी ये रोड के लिए तो हम कई कितनी बार वहाँ लिखवा के भी आए हैं जो MCD के ऑफिस वो कहते हैं हमारे पास फंड्स नहीं है फंडिंग नहीं है हाँ अच्छा फंडिंग नहीं है लेकिन सरकार चल रही है सरकार चल रही है सरकार चल रही है अब ये तो ये वही जाने कि हमारी समस्याएं तो दूर है। दूर हो नहीं रही हैं समझदारी से बाहर है हाँ जी बिल्कुल ऐसी सरकार चुने बिल्कुल नहीं कैसी सरकार चाहिए आपको जो काम करे जो जनता की जनता का मतलब सारे आवाज़ को सुने जैसे आप सुन रहे हो इस तरीके से आके तो कुछ काम भी करें तभी तो बात होगी ठीक कितने साल की एज होगी आप लोगों की हम तो सीनियर सिटीजन हैं सीनियर सिटीजन जब इस देश में सीनियर सिटीजन दुखी है तो बाकी लोगों का क्या होता होगा असी अजी पटेल नगर में हैं ईस्ट में तो लोगों की समस्या देख के लगता है कि जुमलेबाज लोग हैं चाहे वो कोई भी पार्टी हो असी उसका नाम नहीं लेना चाहते लेकिन है जुमलेबाज जिसकी जनता ही दुखी होगी तो उसके राजे से ऊपर किस चीज़ का मान किया जा सकता है